स्पेशलिस्ट और सभी स्टाफ ने आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। ये तो मैं ये कहूँगा कि 90 दिन में 50,000 करोड़ की जो धनराशि है वो हितग्राहियों के खाते में भेजने वाला पूरे देश में ये पहली सरकार है। छत्तीसगढ़ का पानी बहुत मीठा है, यहाँ की जनता की बहुत मीठी वाणी है, लेकिन निर्णय वे सोच विचार के करते हैं। जो बनता है वो भी वही देगी। छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब हमने बनाया है तो उसको संवारने का काम भी हम करेंगे। जो कुछ नहीं कहते हैं वो ही ज्यादा बात करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। चुनाव का दौर चल रहा है और इन दिनों दोनों राजनीतिक पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी आज भिलाई दौरे पर थे और बहुत से जगह पर कार्यक्रम को संबोधित किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जोश और उमंग भरा और मोदी के गारंटी का विश्वास दिलाया। इस पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपक वर्मा अपनी टीम के साथ भाजपा में प्रवेश हुए और बहुत सी बातों पर किरण देव जी से चर्चा हुई। आइए जानते हैं कि किन किन विषयों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दिया और मोदी के जीतने के बाद कौन कौन सी गारंटियां पूरी होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए किसी सम्मेलन में किस तरह से डॉक्टरों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? नहीं, अद्भुत है। और मैं सभी का स्पर्श हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर स्पेशलिस्ट और सभी स्टाफ ने आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और उनका आज यहाँ पर विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चय रूप से मोदी जी के जो कार्य योजना है, उनका जो कार्यक्रम है, देश हित में जो निर्णय है उनके, उससे आज सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो अधिवक्ता हैं हमारे बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, तो ये प्रेम दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, राष्ट्र ही सर्वोपरि, हमारा छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को तीव्र गति से, ये तो मैं ये कहूँगा कि 90 दिन में 50,000 करोड़ की जो धनराशि है वो हितग्राहियों के खाते में भेजने वाला पूरे देश में ये पहली सरकार है। और स्वाभाविक रूप से जो सरकार, जो संगठन क्षेत्र के विकास की चिंता करेगा, प्रांत के विकास की चिंता करेगा, राष्ट्र के विकास की चिंता करेगा, सभी धर्म जाति संप्रदाय वर्ग आयु के लोगों के विकास की चिंता करेगा, तो लोगों का उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास बढ़ रहा है। तो भूपेश बघेल जी को तो खुद राजनांदगांव से जाके लड़ना पड़ गया है, अगर ऐसा होता तो उनको यहीं से लड़ना था। तो देखिए, कहने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। 5 साल की सरकार में इन्होंने जनता के हित में कोई भी कदम उठाए नहीं। 36 प्रकार के वादे किए, घोषणा पत्र लाया इन्होंने, लेकिन जो घोषणा पत्र में एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी के कारण तो है कि जनता के बीच से उनका कांग्रेस का विश्वास उठ गया, उनकी सरकार का विश्वास समाप्त हो चुका। और उसके बाद 5 साल में ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे वचनों पर विश्वास किया और वापस हमको सरकार में यहाँ पर काम करने का अवसर दिया। नहीं, कोविड का वैक्सीन तो उनको भी लगा है, सारे कांग्रेसियों को लगा है, सभी ने लगाया है, पूरे देश में लगा है, देश के बाहर 114 देश के अन्य देशों में भी सहयोग करने का काम किया है मोदी जी ने। देखिए, जब कोई खुद कुछ नहीं करता है तो चुनाव में जनता के बीच जाकर वो क्या बोले, तो इसी तरीके के शिगुफे छोड़ते रहते हैं कि जनता का मन भ्रमित करे। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ का पानी बहुत मीठा है, यहाँ की जनता की बहुत मीठी वाणी है, लेकिन निर्णय वे सोच विचार के करते हैं। 11 की 11 लोकसभा और सीट को भारतीय जनता पार्टी को वापस सौंप कर और मोदी जी को 11 कमल फूल यहाँ से भेंट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साय साय का नारा दे रहे हैं, साय साय हो गया, नहीं डेफिनेटली साय साय मतलब तुरंत तुरंत,
जो भी योजना, जो भी घोषणा हमने किया था, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी गारंटी की योजना, चाहे मैतारी वंदन की योजना है, तुरंत लागू किया मुख्यमंत्री जी ने उसको। आज 72 लाख से भी ज्यादा हमारी मातृशक्तियों को वो योजना, अभी 1 तारीख को तीसरा किस्त भी चला गया उसका। हमारा 3,100 में प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात हमने वचन दिया था, 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय लिया कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा किया, पूरा खाते में चला गया किसानों के खाते में। 2 वर्ष का बकाया बोनस का राशि वो उनको खाते में भेजने का काम किया। उसी प्रकार से 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, वो हमने पूरा करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसी प्रकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को, ये तो 2 दिन खरीद के बंद कर देते थे, वो भी आएगा सब कुछ, जो पार्टी दे रही है, जो सरकार दे रही है, जो बचा है वो भी वही देगी। छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब हमने बनाया है तो उसको संवारने का काम भी हम करेंगे। कौन सी योजना बंद हुई? आपकी योजना ही कौन थी? आपने तो गोबर खरीदने का निर्णय लिया, उसमें भी 12,000 करोड़ का आपने घोटाला कर दिया। आपने गोठान बनाने का निर्णय लिया, ये कोई योजनाएं होती हैं? अरे कोई लट्टू खेल रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है, ये कोई योजनाएं होती है? योजनाएं जनता के हित में, जनता को 100% पहुंचे और उसका कल्याण हो, उसका परिवार सुखमय हो, ये योजनाएं होती है। और जिसको हमने 90 दिन में करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कुछ नहीं कहते हैं वो ही ज्यादा बात करते हैं। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपक वर्मा जी हैं, दीपक वर्मा जी को जानते हैं कि किस सोच से प्रभावित हो रहा है। और 10 साल ये देखने के बाद ऐसा लगा कि अब समय आ गया है स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161।